चल रही है सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हुई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी एकता की बैठक से पहले कांग्रेस को यह झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कुंतल ने विपक्षी एकता की मुहिम पर भी सवाल खड़े किए हैं और न सिर्फ इस पूरी मुहिम बल्कि मुहिम का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर होने वाली बैठक से पहले ये कांग्रेसी खेमे में किस तरह की खलबली मची है। रितेश, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 23 जून को विपक्षी एकता का महाजुटान पटना में प्रस्तावित है और इसको लेकर महागठबंधन बेहद उत्साहित है। लेकिन देखिए कि बैठक से पहले ही लगातार जो विकेट हैं वो उखड़ रहे हैं। पहले देखिए कि जीतन राम मांझी किस तरीके से महागठबंधन से बाहर हुए, और जाहिर सी बात है कि भले ही जेडीयू आरजेडी के नेता ये कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ा है। अब देखिए कांग्रेस के मजबूत नेता हैं कुंतल कृष्णन और प्रवक्ता हैं, और अब उन्होंने पार्टी की सदस्यता से प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। कल उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि विपक्षी एकता की मुहिम की आखिर जरूरत क्या है, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी एकता की मुहिम कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। उनका साफ तौर पर मानना है कि क्षेत्रीय दलों की वजह से ही कांग्रेस की हालत इतनी पतली हुई और आज जनाधार विहीन पार्टी हो गई है कांग्रेस। और ये भी सवाल उन्होंने उठाया है कि विपक्षी एकता की मुहिम की जो बैठक होने वाली है उसमें उन तमाम दलों को तरजीह दी जा रही है, प्रमुखता से उन्हें बुलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मिट्टी फलीद करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो धन्यवाद रितेश, तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ अब बने रहे क्योंकि राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ी हुई है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी खबरें हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि